नेक्स्ट कक्षा 11 के सिलेबस में चैप्टर 5 में नेक्स्ट टॉपिक है अपना आवेग, इंपल्स। आवेग किसे कहते हैं? आवेग क्या होता है? कोई भी वस्तु है, कण है, कुछ भी है, उस पर कोई बल आरोपित किया जाता है तो वो बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाता है इसका भी इफेक्ट रहता है। कोई बल थोड़े समय के लिए अगर लगाया गया है किसी पर तो उसका इफेक्ट जो होगा वो कम होगा, बहुत ज्यादा समय के लिए लगाया गया है तो इफेक्ट ज्यादा होगा। तो बल और जितने समय के लिए बल लगाया गया है वो समय अंतराल जितने टाइम के लिए लगाया गया है उसे, उसका जो गुणनफल है उसे आवेग कहते हैं। इसको आई से लिखते हैं, इंपल्स को आई से लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है एफ इंटू डी टी। एफ क्या है? आरोपित बल, और डी टी क्या है? डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का अंतराल जितने समय के लिए लगाया गया है। या 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया तो डी टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, अगर मान लो 15 सेकंड के लिए तो डी टी का मान 15 सेकंड है। यहां से इसका मात्रक निकाल ले, परिभाषा इसकी लिखे हैं तो परिभाषा भी लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी कण पर आरोपित बल तथा तथा समय अंतराल कह सकते हैं इसे, समय अंतराल, या पूरा लिखे तो ये लिख दें कि जितने समय के लिए बल आरोपित किया गया है वह समय, समय अंतराल डी टी का गुणनफल आवेग कहलाता है। इसकी मात्रक और विमाओं की बात और कर लेते हैं। तो मात्रक जो इसका, देखो कोई भी मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, अगर इनिशियल हमें मात्रक और विमाएं पता है, डायमेंशंस पता है सारी, इनिशियल हमें पता है, सात मूल मात्रक होते हैं, सात उनके हम डायमेंशन लेते हैं सभी के, तो हमें किसी भी मात्रक को याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी फॉर्मूले में वैल्यूज आएगी वहां से मात्रक आ जाएगा, और जब मात्रक आ जाएगा तो वहीं से विमा आ जाएगी। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए आवेग का मतलब क्या है। बल और आवेग अलग अलग चीजें हैं। बल तो किसी वस्तु पर आरोपित किया गया है वो केवल वही मान, और आवेग का मतलब है जितने समय के लिए लगाया गया उस समय से और मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो आवेग की जो वैल्यू है वो ज्यादा रहती है। अब यहां से इसका मात्रक निकाले तो एफ का मात्रक जो है बल का मात्रक न्यूटन, और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो इसका जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। अब इसकी डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन भी इजीली में हम निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन कैसे निकाले? डायमेंशन हमें जो फॉर्मूला है वो इससे भी निकाल सकते हैं। ये हम बार बार जिक्र करते हैं जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। डायमेंशन तो हमने एक बार सीख ली, उसके बाद में जब तक टॉपिक पढ़ेंगे, जब तक दोनों किताबें खत्म होती हैं, तब तक आप जितने भी टॉपिक आते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं, सभी के अंदर जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, सबकी डायमेंशन आप निकाल लीजिए। उसमें तरीका हो गई तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो डायमेंशन हमने वहां नहीं निकाली थी वो सारी आ जाएगी इसके अंदर। और एक बार डायमेंशन ऐसा टॉपिक है याद नहीं रहता, याद रखना भी नहीं है हमें, जो इसकी भी पूछी जाए बस उसका फॉर्मूला पता, उसका कंसेप्ट पता है। तो फॉर्मूला अगर किसी को पता है समय और बल का गुणनफल हो जाए, तो आवेग की डायमेंशन पूछिए तो हम क्या करें? समय और बल का गुणनफल कर लें। अब इसकी डायमेंशन निकाल लें तो डायमेंशन कैसे निकलेगी इसकी? कैसे निकले? एफ की जगह, एफ की डायमेंशन मोस्टली बहुत ज्यादा यूज होती है इसलिए हमें याद रहती है, MLT-2। और डी टी क्या है? टाइम डिफरेंस, टाइम है, तो इसकी क्या हो गई? टी, टी की पावर 1 है, -2 है, -2 प्लस 1 क्या बचा? -1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? MLT-1। डायमेंशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ साथ जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं सभी के लिए निकाल देने। अब आवेग से संबंधित एक बात और है, वो है आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं इसको, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।
आवेग संवेग पर नहीं जाए। देखो दोनों बातें आ रही इसमें, आवेग और संवेग। संवेग भी हमने पढ़ लिया था गति के दूसरे नियम से पहले, हमने बात की थी अभी दो तीन क्लासेस के पहले, और आवेग की भी हमने बात कर ली, दोनों को डिफाइन कर लिया। तो प्रमेय क्या है, इन दोनों में को रिलेट कर दें, इन दोनों को आवेग का संवेग के साथ क्या संबंध होता है वो रिलेशन निकाल लें, उसी को कह देते हैं आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल, इसका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इनके बीच का जो रिलेशन है वो ही प्रमेय होती है। अब उसको हम पहले डेराइव कर लें या पहले लिख भी सकते हैं कि संवेग का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इम्पल्स। संवेग का जो अंतर है वो किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, संवेग का अंतर। अब संवेग में अंतर कब आता है, जब वेग में अंतर आता है तब संवेग में अंतर आता है, क्योंकि संवेग क्या होता है, p इज इक्वल टू होता है, क्या ये पढ़ चुके हैं, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, वेयर m इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये क्या है, कण का द्रव्यमान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो तो वही नियत रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेग जो है वो परिवर्तित हो सकता है। कोई गाड़ी सिंपल एग्जांपल ले ले, बाइक चल रही है भाई 40 की स्पीड पे चल रही है, एक घंटे बाद 50 की स्पीड हो जाती है, मान लो तो 40 की स्पीड चल रही थी तो भी बाइक वही है, उसका मास वही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो 100 किलो की वाइक बाइक है और उसका स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, मीटर सेकेंड में बात कर लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आएगा इसका मोमेंटम P1। बाद में स्पीड जो है 5 की 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अब बाइक का वेट तो अभी भी कितना रहेगा, 100 किलो ही रहेगा, चेंज किया बाइक का वेट तो कितना जाएगा, जैसे मान लो 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया ना, ये दूसरा मान आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, P2 - P1, और वो किसके बराबर होगा, वो आई के बराबर होगा, ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल ही कह सकते हैं, प्रूफ भी कर लेंगे, इसको प्रूफ कर सकते हैं, छोटी सी दो लाइन में प्रूफ हो जाता है इसका, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसको अगर डिफाइन करना तो क्या कह सकते हैं, संवेग में अंतर आवेग के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम पहले, किसी कण के संवेग में अंतर उसके आवेग के बराबर होते हैं, या ये कह सकते हैं संवेग में अंतर क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो अगर हमें मोमेंटम दे रखा है और इंपल्स कुछ है, डिफरेंस दे रखा है कि पहले इतना संवेग था बाद में इतना है, तो फिर FDT की जरूरत नहीं है भाई, हर जगह इसी से निकले जरूरी नहीं है, आप अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग हटा देंगे तो भी आई का मान आ जाएगा। दूसरा तरीका, आपको एफ का मान और टी का मान दे रखा है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल 10 सेकंड के लिए लगता है, सिंपल से ऐसे भी मेरिकल रहते हैं कोई बहुत बड़े नहीं, 5 न्यूटन का बल 10 सेकंड के लिए लगता है तो आवेग बताइए, 5 × 10 = 50, बल का मान रख दो और टाइम का मान रख दो। दूसरी बात, अगर आपको ये ना देकर अगर आपको संवेग दे दिया जाए, प्रारंभिक संवेग इतना है किसी कण का, अंतिम संवेग इतना है, तो आवेग कितना होगा, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो आई का जो मान है वो किसके बराबर होता है, आई का मान ये कह सकते हैं P2 - P1 के बराबर होता है, या शॉर्ट में लिखें तो इसे ये भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी के बराबर, डीपी अब डी फॉर डिफरेंस इन पी, संवेग में अंतर परिवर्तन कितना है, दैट इज इक्वल टू P2 - P1। नाउ वी कैन प्रूफ दिस, प्रूफ क्या कैसे करें इसका, अपने पास बाय द डेफिनेशन ऑफ इंपल्स आवेग की परिभाषा लेकर चल रहे हम, आवेग की परिभाषा से क्या है, I इज इक्वल टू क्या है, F × dt, F का मान हम पढ़ चुके हैं, जब संवेग के वो संवेग के साथ रिलेशन लेना है ना, तो ये नहीं भी बराबर एम में रख दे, F के तौर भी मान होते हैं, Gm1m2/r² होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल गुलाम बल के Q1Q2/r² होता है, बहुत रहते हैं उसके मान, लेकिन अपने को ध्यान रखना कौन सी फॉर्म यूज करनी है, जैसी हम इक्वेशन में भेज गई है वैसी फॉर्म यूज करनी है, हमें कहा गया है आवेग का संवेग के साथ, तो बल का मान संवेग के रूप में निकालना, और एक ही फॉर्म होती है F = dp/dt अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम में ये बात हमने पढ़ी थी और लिखी थी कि बल का जो मान है वो संवेग में परिवर्तन की दर के
बराबर होता है। तो यहां से ये मान पुट कर दे, बस हो गया। सो आई इज इक्वल टू इसकी जगह रख दें डीपी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, देन कैंसिल आउट, क्या बचा डीपी, और ये तो है डीपी, और डीपी का मतलब क्या होता है परिवर्तन। तो आई इज इक्वल टू डीपी को क्या लिख सकते हैं, अंतिम माइनस माइनस प्रारंभिक मान। पहले का जो मान है पी वन मान ले, बाद का जो उसको पी टू मान ले, तो डिफरेंस ले ली पी टू माइनस पी वन। तो इसमें इस तरह से आवेग और संवेग आवेग परमेय दोनों जो टॉपिक हैं, दोनों छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम आती है। तो जब भी ऐसी कोई नई डेफिनेशन वगैरह आती है, कोई स्मॉल टॉपिक आते हैं, तो दो चीजों का हम पर विशेष ध्यान रखें, मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों जरूर आप उसको सोल्व करें। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।